रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह शहर के दीप पैलेस में संपन्न हुआ। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रजना चौधरी ने कहा, जो संस्थाएं अपने स्वयं के संसाधनों से समाज में निस्वार्थ भाव से कार्य करती हैं, उनसे संवाद स्थापित कर मुख्य पटल पर लाया जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएंगे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी का 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में एनजीओ प्रकोष्ठ की तरफ से, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी एनजीओ अपने अपने जिलों में अच्छा कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसी सभी संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर एक संवाद स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है कि हम लोग उनके लिए क्या बेहतर दे सकते हैं। ये कार्यक्रम था, जिला सम्मेलन था, आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। ये सर, इसमें किसको किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, जिला सम्मेलन का जो कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों का मुख्य मकसद था कि हम एनजीओ के जो हमारे दायित्वधारी हैं उनसे मुलाकात करें, मिलें, उनसे संवाद स्थापित करें और उनको क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं, वो सभी प्रयास मंथन हुआ है इस सम्मेलन में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।